तो है हेलो सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल ट्रेंड। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो प्रीव्यू में जिस तरीके से आपने वीडियो देखा, उस तरीके से एक वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इस टाइप से जो वीडियो है आज के बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स पर और वायरल भी हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना लास्ट तक बिना कोई स्किप किए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल का करना कोई एलर्ट मोशन आप ओपन करना, ठीक है। अगर आपको एलर्ट मोशन को प्रोफर से नहीं है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको करना है कि नीचे की तरफ प्लस वाला आइकन को आपको क्लिक करना, 9:60 रेशियो का प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना एंड क्रिएट प्रोजेक्ट को ऊपर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। देन इस टाइप से आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सिंपल से प्लस वाला आइकन को ऊपर क्लिक करना है, ऑडियो पर जाना है। इधर से आपको आपका जिस ऑडियो पर आप स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अभी आपको करना क्या होगा, आपको प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। आपको इधर से कोई भी एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं इधर से दो या तीन पिक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो पिक्चर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाला पिक्चर यूज़ करूँगा। देना अभी आपको करना के ऊपर की तरफ थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है, ठीक है। देन आपको मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है। इधर से आपको इस टाइप से कुछ एडजस्ट कर देना है, ठीक है। देन इस टाइप से आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आपको इस टाइप से रख देना है। देन अभी आपको पिक्चर के लेयर को आपको क्लिक करना है, इस वाला आइकन को ऊपर क्लिक करना है एंड आपको डुप्लीकेट लेयर कर देना है, ठीक है। देन इतना हो जाने का आपको करना क्या, प्लस वाला आइकन को ऊपर क्लिक करना है। इधर से आपको ये वाला जो सेफ है आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको मिडिल वाला जो एडिट सेफ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना, ठीक है। एंड जो एक्स एक्स जो ए है इसको आपको स्टेप से बढ़ा लेना है, 420 कर लेना है, ठीक है। सॉरी 450 कर लेना, ठीक है। देन आपको वाई के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड वाई को आपको इस टाइप से बढ़ा लेना है एंड 220 आपको कर देना है, ठीक है। तो मैं 220 कर देता हूँ। देन आपको रेडियस के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड रेडियस को भी आपको 80 कर देना है, ठीक है। तो 80 या 75 कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं 75 कर देता हूँ। देन इतना हो जाएगा तो आपका आपको करने के जो जो शेप आपने लिया है इसको लेयर को क्लिक करना है एंड जो डुप्लीकेट फोटो आपने करी है इसको दोनों पिक्चर को आपको सिलेक्ट करना, ऊपर की तरफ जो दूसरे नंबर के जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है एंड इसको आपको एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। देन आपको लास्ट पे आना है, जितना आपका स्टेटस है। देन आपको इस दोनों लेयर को आपको स्टेप से सिलेक्ट कर देना है। देन नीचे की तरफ जो आइकॉन है इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपको लास्ट तक ले आना है, ठीक है। देन अभी आपको करना है कि ऊपर की तरफ ग्रुप एंड मार्क्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एडिट ग्रुप में जाना है एंड आपको नीचे की तरफ जो पिक्चर है इसके ऊपर आपको सिंपल से इस टाइप से क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है। आपको इस टाइप से कुछ एडजस्ट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका कुछ हो जाएगा। देन अभी आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल से बैक चलाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका कुछ हो जाएगा। देन अभी आपको करना है कि नीचे की तरफ जो पिक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना, इफेक्ट पे जाना है, एड इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। देन इधर आपको जो ब्लर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको इधर से ग्लॉसियन ब्लर को आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन इसका जो स्ट्रेंथ है इसको आपको इस टाइप से बढ़ा लेना है, ठीक है, एंड इसको 420 कर देना है, ठीक है। सॉरी आपको इतना कर देना है, ठीक है, ठीक है। देन आपको करना है जो ग्रुप है इसके ऊपर आपको लेयर को क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, ठीक है, एड इफेक्ट पे जाना है। देन आपको करना है ऊपर की तरफ जो कलर एंड लाइट है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, ऊपर की तरफ ब्राइटनेस को आपको सिंपल से सिलेक्ट करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग में आपको ये करना है, ठीक है। नीचे की तरफ जो कॉन्टेस्ट है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। इसको आपको स्टेप से बढ़ा लेना है, ठीक है। बढ़ा के आपको 25 कर देना है, ठीक है। 25 हो जाने के बाद आपको सिंपल से आपको इसको ओपन बैक कर देना है एंड इफेक्ट पे आपको और एक बार जाना है और एक बार आपको कलर एंड लाइट पे आना है। आपको नीचे की तरफ एक इफेक्ट मिल जाएगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग में। देन इसको आपको ओपन कर लेना है, सैचुरेशन आपको इस सबसे बढ़ा लेना है, ठीक है, एंड आपको 50 कर देना है, ठीक है। 50 या आप 45 कर सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मेरा 45 अच्छा लग रहा है तो मैं 45 इस टाइप से कर देता हूँ। देन आपको और एक बार आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, नीचे की तरफ आपको आना है। इधर आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफर पर, इसको आपको ओपन कर लेना एंड जो ऑसिलेटर करके जो इफेक्ट है इसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में ओपन कर लेना, ठीक है। देन आपको इसको ओपन कर लेना, आपको जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है एंड इसको आपको कम करना है, ठीक है, कम करके 0.25 करना है, ठीक है।
आपको कुछ इस टाइप से कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देन अभी आपको करना है क्योंकि आपको फास्ट पे आपको चले जाना है, ठीक है। सिंपल से प्लस वाला आइकन के ऊपर जाना है, टेक्स्ट के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। इधर आपको करना क्या होगा, आपको कुछ इमोजी आपको इधर से ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। इस टाइप से आपको इमोजी ऐड होने के बाद आपको सिंपल से क्लिक करना क्या होगा, आपको इस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है, मीडियम बराबर ले आना है, ठीक है। जना आपको करना होगा जो कलर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। जो मीडियम वाला जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है एंड इसको आपको इस टाइप से नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। जना अभी आपको इसको राइट क्लिक कर देना है, आपको मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है, ठीक है। इसको आपको लेयर के आपको जो पिक्चर है इसको आपको ऊपर इस टाइप से आपको एडजस्ट कर देना है। देन आपको जूम वाला ऑप्शन को क्लिक करना है एंड इसको आपको थोड़ा सा जूम कर देना है, ठीक है। तो इतना मैं रख देता हूँ, देन आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है, इस टाइप से कुछ। देन इतना हो जाने का आपको करना है आपको बैक चलाना है। देन आपको करना है जो ग्रुप ग्रुप जो लेयर है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसका जो इफेक्ट है आपको सिंपल से कॉपी कर लेना है, ठीक है। देन ऊपर की तरफ जो इमोजी लेयर का लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको दोनों स्टेप से आपका इफेक्ट हो जाता है। आपको लास्ट पर आपको आना है इमोजी वाला लेयर को ऊपर सिंपल से सिलेक्ट करना है, इस वाला आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको लास्ट तक लेना है, ठीक है। तो इतना हो जाने का आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। देन आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको पार्टिकल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो आपको सिंपल से इधर ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन ऊपर जाना है, मीडिया पे जाना है, आपका जिधर भी आपका वो वीडियो है वो आप इधर से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐड कर लेता हूँ। सो पार्टिकल वीडियो ऐड हो जाने का आपको सिंपल से करना क्या होगा, उसके लेयर को आपको सिंपल से स्टेप से क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है। देन आपको जो सेकंड वाला जो रोटेट वाला ऑप्शन है इसको आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड इसको आपको 90 डिग्री तक रोटेट करना है, ठीक है। 90 डिग्री हो जाने के बाद आपको सिंपल से आपको बैक चलाना है। देन ऊपर की तरफ जो थ्री डॉट है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड फिल कंपोजिशन एरिया इसको कर देना है, ठीक है। देन अभी आपको मूव ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट में आपको जाना है एंड इधर आपको लाइटन का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइटन के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। देन इतना हो जाने के बाद आपको जो वीडियो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी आपको लास्ट पर आ सकते हो, ठीक है। अगर आपका जो स्टेटस है वो वीडियो से ज़्यादा है तो आपको करना है वीडियो को आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड आपको इस बार आइकन को क्लिक करके आपको वीडियो को लास्ट तक ले आना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम हो जाने का आपको ऊपर की तरफ शेयर वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।